डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने एल्कीन वाला पार्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का शुरू किया था, जिसके अंतर्गत एल्कीन्स के बारे में मैंने जनरल एस्पेक्ट बताए थे, नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने बताया था, रूढ़िवादी पद्धति में किस तरह से हम उनका नामकरण करते हैं और IUPAC पद्धति में किस तरह से नामकरण करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस की थी। अब आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो रेडिकल्स हैं उनको हम देखेंगे। एल्कीनों के रेडिकल्स को एल्किनाइल रेडिकल्स कहते हैं या एल्किनाइल ग्रुप्स कहते हैं। एल्किनाइल ग्रुप से हमारा तात्पर्य होता है कि हम किसी एल्कीन से एक हाइड्रोजन को यदि हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमें जो ग्रुप प्राप्त होता है उसको हम एल्किनाइल समूह कहते हैं। जैसे इथीन से एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे तो हमें जो समूह प्राप्त होगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल, उसे हम इथिनाइल रेडिकल या वाइनाइल रेडिकल कहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम प्रोपीन से हटा देंगे तो प्रोपीन से हमें दो तरह के रेडिकल प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें दो तरह के कार्बन परमाणु हैं जहां से हटाया जा सकता है हाइड्रोजन को। दोनों टर्मिनल्स में से किसी एक से अगर हम हटा देंगे तो हमारे लिए भिन्न भिन्न रेडिकल्स हैं वो प्राप्त होंगे। ये एल्किनाइल रेडिकल्स हैं, मैंने जैसे बताया है इथीन से, इथीन में चूंकि दोनों कार्बन परमाणु समान हैं, दोनों के पास CH2 समूह है, तो हम कहीं से भी हाइड्रोजन को अगर हटा दें तो हमें एक ही रेडिकल प्राप्त होगा जो इथिनाइल रेडिकल या इसी का कॉमन नेम, बहुत कॉमन नेम यूज़ होता है, वाइनाइल रेडिकल कहलाता है। ये प्रोपीन है, इथीन से रेडिकल प्राप्त हुआ इथिनाइल, प्रोपीन है, प्रोपीन से अगर हम इस टर्मिनल एंड से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हमें रेडिकल जो प्राप्त होगा वन प्रोपीनाइल हमने क्यों कहा, क्योंकि रेडिकल से हम काउंट करना शुरू करेंगे, रेडिकल वाले कार्बन को वन देंगे, टू एंड थ्री है, तो यहाँ पर हमारे लिए वन पर ही फ्री वैलेंसी है, इसलिए हम इसको वन प्रोपीनाइल रेडिकल कहेंगे। अब है ये टू ब्यूटीन में हमारे पास में जो कार्बन परमाणु हैं वो अगर हम टर्मिनल एंड वाले से हटा देंगे, यहाँ वाले से हटा देंगे, तो हमारे लिए जो रेडिकल प्राप्त होगा टू ब्यूटीनाइल रेडिकल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अगर हम हटाएंगे, अब देखिए मैंने बताया था कि प्रोपीन में इस सिरे से अगर हम हाइड्रोजन को हटाएंगे तो वन प्रोपीनाइल रेडिकल प्राप्त होगा, और अगर CH3 सैचुरेटेड कार्बन वाले हाइड्रोजन को अगर हटाएंगे तो हमें जो रेडिकल प्राप्त होगा उसको हम एलाइल रेडिकल बोलेंगे, एलिल रेडिकल कॉमनली ये कहलाता है। तो ये इस प्रकार से इसको अगर हम इसका वैसे नामकरण करें IUPAC के अनुसार, फिर ये वन टू और तो ये टू प्रोपीनाइल रेडिकल हो जाएगा। टू प्रोपीनाइल रेडिकल को हम एलिल रेडिकल कॉमनली बोलते हैं। अब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम देखते हैं इथाइलीन का। तो एल्कीनों में हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है, और किसी भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जबकि पहले एक उसमें सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है। तो कार्बन दोनों sp2 संकृत कार्बन हैं, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है। sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इनके अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। असंकृत pz कक्षकों की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और संकृत कक्षकों की हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो sp2 संकृत कक्षक हैं वो हाइड्रोजन्स के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे, तो हाइड्रोजन का ये एक एटम है, इसका s ऑर्बिटल है,
और यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एस ऑर्बिटल है, तो इनके साथ में जब ओवरलैपिंग होगी तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से दूसरे कार्बन में भी sp2s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, sp2s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, pz जो असंकृत कक्षक हैं उनके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम इनका जो है पाई ऑर्बिटल्स को अगर हम शो करते हुए डायग्राम बनाते हैं तो दोनों कार्बन के ऊपर और नीचे ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर उपस्थित है, और ये इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है जिसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है HCH बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन यहाँ पर हम कहेंगे ये सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम है, और ये शॉर्टर है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, एथेन में उससे ये कम होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ 146 किलो कैलोरी पर मोल होती है डबल बॉन्ड की, और ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा है। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है। कम होने का क्यों कारण है? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड बनने की वजह से है, वो जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बॉन्ड्स नज़दीक आ जाते हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ है वो स्लाइटली कम हो जाती है। अब हम इसमें आइसोमेरिज्म देख रहे हैं या समयता, पोजिशन आइसोमेरिज्म है, चेन है, फंक्शनल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। पोजिशन आइसोमेरिज्म हम जो है, पोजिशन आइसोमेरिज्म एल्किनों में किस तरह से उत्पन्न होगी, डबल बॉन्ड की पोजिशन अगर चेंज होती है तो पोजिशन आइसोमेरिज्म उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर है जैसे हम ब्यूटीन से पोजिशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, टू ब्यूटीन एंड वन ब्यूटीन ये एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर्स हैं। टू ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू पोजिशन पर है, वन ब्यूटीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वन पोजिशन पर है। टू ब्यूटीन एंड वन ब्यूटीन एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर्स हैं। चेन आइसोमेरिज्म को भी हम इसमें देख सकते हैं, जैसे वन ब्यूटीन है, वन ब्यूटीन का चेन आइसोमर थ्री कार्बन वाला हो जाएगा, और इसमें जो हमारी सिलेक्टेड चेन है वो ये इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पर है टू मिथाइल प्रोपीन या टू मिथाइल वन प्रोपीन, बल्कि हम टू मिथाइल प्रोपीन ही इसको बोल सकते हैं, टू मिथाइल प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। तो ये देखिए पोजिशन चेन आइसोमर्स में जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर जो श्रृंखला है उसमें परिवर्तन हो गया है। वन ब्यूटीन में फोर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है और प्रोपीन के अंदर है तीन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। पोजिशन आइसोमेरिज्म में कार्बन की जो मूल श्रृंखला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड की पोजिशन में चेंज हो रहा है। वन ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कार्बन एटम नंबर वन पर सिचुएटेड माना जाएगा और टू ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कार्बन एटम नंबर टू पर सिचुएटेड माना जाएगा। अगली तरह की जो समायवता इनके अंदर है वो ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय समायवता है, इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के अंतर्गत भी हम जो एग्जांपल लेते हैं वो ब्यूटीन का लेंगे, टू ब्यूटीन का सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, टू ब्यूटीन से हम एग्जांपल के रूप में यहाँ पर टू ब्यूटीन को लेते हैं। तो टू ब्यूटीन में सिस टू ब्यूटीन होगा एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन कौन है? जिसमें कि दोनों मेथिल समूह हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ऊपर की ओर एक ही ओर स्थित हैं और हाइड्रोजन है नीचे की ओर स्थित हैं, और ट्रांस टू ब्यूटीन में जो मिथाइल ग्रुप हैं वो दोनों अपोजिट साइड में हैं और हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड में है। तो ये इस प्रकार से ट्रांस टू ब्यूटीन हो गया, यहाँ पर ये है सिस टू। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आती है वो एल्किनों में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन। एल्किनों को बनाने की जो विधियाँ हैं उनमें ज़्यादातर विधियाँ हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन की हैं,
जिनको हम विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से विलोपन होकर के हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम एल्कोहल्स ले सकते हैं विलोपन अभिक्रियाओं में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन ले सकते हैं, एल्काइल हैलाइड इत्यादि ले सकते हैं। विलोपन अभिक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विलोपन अभिक्रिया में दो सिग्मा बॉन्ड हैं उनका विलोपन होता है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो सिग्मा बॉन्ड के विलोपित हो जाने के बाद में एक पाई बंध का निर्माण होता है। इसमें हम रिएक्शन को सबसे पहले देखते हैं बनाने की विधियों में, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है, एल्कोहल्स के निर्जलीकरण के द्वारा। तो निर्जलीकरण में क्या इसमें से निष्कासित होगा, वाटर निष्कासित हो जाएगा। एक कार्बन परमाणु से OH समूह का निष्कासन होगा, दूसरे कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। इस प्रकार से वाटर निष्कासित हो जाएगा और एल्कीन का इसमें हमें फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने बताया है दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये निष्कासित हो रहा है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये निष्कासित हो रहा है और एक पाई बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हमेशा जो भी विलोपन के लिए एजेंट प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो या तो हीटेड एल्यूमिना, हीटेड बेसिक एल्यूमिना हम लोग लेंगे, एल्यूमिना हम लोग काम में लेते हैं, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 है हीटेड फॉर्म में, डेल्टा का निशान है हीट को शो करता है, और ये जो है एल्यूमिना Al2O3 के साथ में हम हीट करेंगे अगर, तो इसमें से जल का निष्कासन हो जाता है, जल के निष्कासन के साथ में एल्कीन का फॉर्मेशन। तो ये वाली रिएक्शन है, ये रिटेंशन ऑफ कार्बन की रिएक्शन है। जितने कार्बन हमारे मूल एल्कीन के अंदर उपस्थित थे उतने ही कार्बन एल्कोहल में उपस्थित थे, उतने ही कार्बन एल्कीन के अंदर है। अगर यहाँ पर ये CH3 समूह है अर्थात तीन कार्बन का ये एल्कोहल है, 1-propanol, तो उससे प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, नीचे रिएक्शंस में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर हमने 1-propanol लिया है, तो इससे जल के निष्कासन पर हमें प्रोपीन प्राप्त हो गया। अब एल्कोहल्स की क्या रिएक्टिविटी है, क्योंकि हम जानते हैं एल्कोहल भी तीन प्रकार के होते हैं, 3-degree एल्कोहल, 2-degree एल्कोहल एंड 1-degree एल्कोहल। 3-degree एल्कोहल की रिएक्टिविटी इस रिएक्शन में सर्वाधिक होती है, 2-degree एल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होती है एंड 1-degree एल्कोहल की रिएक्टिविटी और भी कम होती है। 3-degree एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा उससे जल का निष्कासन आसानी से हो जाएगा, उससे कम रिएक्टिव होगा उसमें और अधिक हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन, और जो सबसे कम रिएक्टिव होगा उसमें सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमने कहा है कि 1-degree एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, अर्थात 1-propanol है। अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 हमने लिया है, 90% H2SO4 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर है, वो प्रोपीन देगा। फिर है ये 2-propanol है, 2-degree एल्कोहल, इसमें हमें H2SO4 60% ही लेना पड़ रहा है और रिएक्शन है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न हो जा रही है। ये रिएक्शन देखिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, H2SO4 90% यूज़ करना पड़ रहा है। ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल में केवल 20% हमें H2SO4 है वो यूज़ करना पड़ रहा है, इस तरह से देख लीजिए 20% H2SO4 यूज़ करना पड़ रहा है और रिएक्शन ओनली 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर से हम देख लें, चूँकि टर्शरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है इसलिए एल्कोहल की कंसंट्रेशन भी हमें उतनी नहीं लेनी पड़ रही है, टेम्परेचर भी कम लेना पड़ रहा है और इसमें हमें आइसोब्यूटीन प्राप्त हो गया। अब 2-degree एल्कोहल की रिएक्टिविटी इससे थोड़ी कम है, तो उसमें 60% H2SO4 हमें प्रयोग करना पड़ रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराने पर है ये प्रोपीन का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। 1-propanol हमने लिया है, 90% H2SO4 हमने काम में लिया है और इसमें हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड, चूँकि 1-degree की रिएक्टिविटी सबसे कम है इसलिए H2SO4 भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लेना पड़ रहा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा लेना पड़ रहा है। 2-degree की रिएक्टिविटी उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें 60% आ गया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
और 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर 20% H2SO4 और 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होकर आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाता है।